हाय फ्रेंड, मैं हूँ निशा। आप देख रहे हैं निशा कुकिंग शो। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दही वाली भिंडी की रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गर्म करेंगे। उसमें मैं यहाँ पे करीब 200 ग्राम भिंडी लेके उसे अच्छे से धुल के काट ली हूँ बड़े बड़े टुकड़े में। आप इसी तरह काट लीजिए, इसका पानी सुखा लीजिए। अब इसे मैं कढ़ाई में डालूँगी और इसे हल्का भूनूँगी करीब 2 से 3 मिनट तक। जब मेरी भिंडी आधी पक जाएगी तो मैं उसे उतार लूँगी। मेरी भिंडी देखिए आधी पक चुकी है। मैं इसे अच्छे से और थोड़ा सा पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालूँगी, उसे अच्छे से गर्म करूँगी। जब मेरा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें आधा टी स्पून खड़ा धनिया डालूंगी, मतलब धनिया का बीज। आधा टी स्पून मैं इसमें जीरा डालूंगी, इसे हल्का सा भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें कटा हुआ 1 बड़ा साइज का प्याज डालूंगी और उसे हल्का पकाऊंगी। प्याज को थोड़ा तेज आंच में भूनूंगी क्योंकि जब प्याज थोड़ा तेज आंच में भुनाएगा तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। देख सकते हैं आप, मेरा प्याज आधा पक चुका है। अब मैं यहाँ पर 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। अगर आपके पास पेस्ट ना आता हो तो आप प्याज और अदरक, लहसुन और अदरक को बारीक काट के डालिए। इसे भी कुछ देर भूनूंगी। मुझे दोनों अच्छे से पक जाएंगे तो आप देख सकते हैं मेरा प्याज पक चुका है। अब मैं इसमें 1 टमाटर डालूंगी जिसे मैं बारीक चॉप कर ली हूँ, देख सकते हैं। मैं इसे पकने तक पकाऊंगी। जब यह हल्का पक जाएगा तब मैं इसमें मसाले डालूंगी। हाँ, मैं 1/3 स्पून डालूंगी टर्मरिक पाउडर, मतलब हल्दी। 1 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर और इन्हें अच्छे से मिक्स करूंगी। 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। मेरा लाल मिर्च पाउडर घर का बना हुआ है इसलिए इसका कलर उतना रेड नहीं है जितना मार्केट का होता है। अच्छे से मिलाऊंगी। अगर आपके मसाले जलने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैं करीब 1 मिनट और भूनूंगी पानी डाल के। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डालूंगी। अब ग्रेवी को पकाऊंगी। एक बार ग्रेवी में उबाल आने के बाद मैं इसमें भिंडी को ऐड करूंगी क्योंकि मेरी भिंडी नहीं। यहाँ मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए। मैं ग्रेवी को भिंडी में डालकर करीब 5 मिनट तक पकाऊंगी धीमी आंच पर। देख सकते हैं मेरी भिंडी पक रही है। जब मेरी भिंडी पूरी तरह से पक जाएगी तो मैं यहाँ पे लूँगी 1 कप दही। आप कोई भी दही लीजिए मगर उस दही को हल्का फेंट लीजिए ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। अब इसमें ऊपर से मैं दही डाल के मिलाऊँगी। 2 मिनट हल्के आँच पर छोड़ दूँगी मैं इसे मिलाने के बाद। जब भी आप दही डालें तो आज धीमी हो, तेज आंच पे डालेंगे दही फट जाएगी। 2 मिनट बाद मैं इसे उतार दूंगी। आप देख सकते हैं मेरी सब्जी तैयार है। इससे आप सब्जी पराठा किसी के साथ